आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आज हमने बनाना है रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात बात में करेंगे। तो पहले आज हम बात करेंगे कौन कौन सी एडजस्टमेंट आज इस क्वेश्चन में करेंगे हम और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज जनरल रिजर्व के बारे में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में, और जो गुडविल का शेयर है वो गेनिंग रेशो में कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, अशोक भास्कर एंड चमन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज अशोक 1/3, भास्कर 1/2 एंड चमन 1/6 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज लाइबिलिटीज कैपिटल अकाउंट अशोक भास्कर एंड चमन, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सेंडिंग क्रेडिटर्स लोन पेबल बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैश इन हैंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ये हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है, ये लॉस होता है पार्टनर्स को। अब इसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हैं, एडजस्टमेंट कौन कौन सी दी है, चमन रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। तो चमन रिटायर हो गया सबसे पहले, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कौन कौन सी एडजस्टमेंट के लिए बोला, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड 2,40,000, कहता जो गुडविल है फर्म की वो 2,40,000 है। चमन शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अशोक एंड भास्कर हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, कहता है उनको जो शेयरिंग रेशो है फ्यूचर में वो 3:2 है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले गेनिंग रेशो, जो गुडविल का शेयर होगा वो हम गेनिंग रेशो से बांटेंगे। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, कहता है जो प्लांट एंड मशीनरी है ये 10% रिड्यूस हो जाएगा, मशीनरी बाय 5%, मशीनरी की कॉस्ट 5% कम हो जाएगी। स्टॉक इंक्रीज बाय 15%, कहता है जो स्टॉक की कीमत है वो 15% बढ़ जाएगी। बिल्डिंग बाय 10%, बिल्डिंग की 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 20,000, कहता है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 20,000 हो जाए। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिया है 5,000, दैट मीन्स कि इंक्रीज कितना होगा 15,000। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म, कहता है जनरल एंट्री पास आउट करने के लिए। एंड शो द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ चमन एंड बैलेंस, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर चमन रिटायरमेंट, कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और फर्म की न्यू बैलेंस शीट बनानी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या दिया था, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया था 4 लाख, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दी थी 4 लाख इनटू कितने परसेंट बोला था यहां पे प्लांट एंड मशीनरी के लिए 10%, तो यहां पे क्या लेंगे हम 10/100, यहां पे अमाउंट कितना आ गया इसका 40,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद बोला था फर्नीचर 5%, तो फर्नीचर कितना दिया था 1 लाख, तो यहां पे क्या करेंगे 2 फर्नीचर 1 लाख इंटू 5/100, तो अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 5,000। ये किसका आ गया हमारे पास, फर्नीचर। यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू आ गई। अब फर्नीचर के बाद यहाँ पे दिया था स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू कितनी दी थी 2,50,000, तो 2,50,000 इंटू 15/100, तो यहाँ पे आ गया 37,500। अब स्टॉक के बाद यहाँ पे वैल्यू दी थी बिल्डिंग की 10%, तो बिल्डिंग कितना दिया था यहाँ पे 5 लाख, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बिल्डिंग 5 लाख इंटू 10/100, अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे
50,000, और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दिए, सिर्फ अब इसके बाद क्या दिया था लास्ट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रेज बाय 20,000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20,000 माइनस 5,000, अमाउंट कितना आ गया 15,000। अब हमने क्या करना है, इनके टोटल कर लेना है। टोटल कौन सी साइड बड़ी है सबसे पहले वो देखना है, 40 + 5 + 15 60,000, तो यहाँ पे आ गया 50 + 37 87,000, तो ये क्रेडिट साइड वाली टोटल बड़ा है, यहाँ पे आ गया 87,500 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया। प्रॉफिट कितना आ गया 27,500। अब ये प्रॉफिट किस में बांटना है, तीनों पार्टनर में। पार्टनर का नाम था अशोक, भास्कर और चमन, ये आ गया 27,500 इंटू 27,500 इंटू 27,500 इंटू, इनकी शेयरिंग रेशियो थी 1/3, 1/2 और 1/6, तो ये आ गया 3950। यहाँ पे कितना आ गया इसका 9500, 27,500 इंटू 1/3 9500, यहाँ पे आ गया इसका 13,250 और यहाँ पे आ गया 4 6 4 24 3 5 35 6 5 30 5 0 50 6 8 जा। अब अशोक, भास्कर और चमन, इनकी शेयरिंग रेशियो क्या दी थी, अशोक की 1/3, भास्कर थी 1/2 और चमन का क्या था 1/6, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, इनका डिनोमिनेटर ले लिया 6, तो 3 2 जै 6 तो यहाँ पे क्या आ गया 2 2 1 जै 2 2 3 जै 6 तो यहाँ पे 3 1 जै 3 6 1 जै 6 1 1 जै 1, तो इनकी शेयरिंग रेशियो क्या गई, 2:3:1। अब जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया था, प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमने निकाला ना 27,500, अशोक का कितना शेयर आ जाएगा 27,500 इंटू 1/3, इसका आ जाएगा 2/6। इसी तरह भास्कर का 27,500 इंटू 3/6 और चमन का आ जाएगा 27,500 इंटू 1/6। तो अशोक का शेयर आ गया 9,167, भास्कर का आ गया 13,750 और चमन का कितना आ गया 4,583। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अशोक, भास्कर एंड चमन, अशोक, भास्कर एंड चमन, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्राडोन। अशोक की कैपिटल थी 3 लाख, चमन की, भास्कर की कैपिटल थी 4 लाख और चमन की कैपिटल थी 2,50,000। यहां पे लिखेंगे अब बाय प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, अब आ गया हमारे पास जनरल रिजर्व 2,20,000 इंटू 2/6, हमारे पास वैल्यूज आ गई 73,333। भास्कर को आ गया 2,20,000 इंटू 3/6 1,10,000 और चमन को आ गया 2,20,000 इंटू 1/6 36,667। तो ये कहाँ डालेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बाय जर्नल रिजर्व 73,333 1,10,000 और 36,667
सेवन, यहाँ पे जर्नलिज्म भी आ गया। अब यहाँ पे था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना दिया था, 60,000, तो 60,000 को हम कौन सी रेशो में बांटेंगे, 2:3:1, तो यहाँ पे आ गया 20,000, यहाँ पे आ गया 30,000 और यहाँ पे आ गया 10,000। इसके साथ और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब एडजस्टमेंट आएगी गुडविल की, बाय गुडविल। रिटायर कौन हुआ था, चमन, तो कौन लिखेगा, अशोक कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन था, भास्कर कैपिटल अकाउंट। अब कैसे कैलकुलेट करनी है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया था, गुडविल ऑफ द फर्म, अमाउंट दिया था 2,40,000। रिटायर हुआ था चमन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चमन शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000 इंटू, इसका शेयरिंग रेशो थी 1/6, ये आ गया 1/6, दैट इज इक्वल टू 40,000, ये 40,000 आ गया। अब इसको कौन बांटेगा, ये अशोक और दूसरा भास्कर, कौन सी रेशो से, गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ गया गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड शेयर, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया था इसका सबसे पहले अशोक का, अशोक का था 3/5, 3:2 है तो 3/5 आ गया, और ओल्ड शेयर कितना था इसका, 2/6, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5×6=30, 6×3=18, 5×2=10, 8/30। इसी तरह भास्कर 2/5 शेयरिंग रेशो था, यहाँ पे लिखा है 3:2, ये कौन सी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, माइनस ओल्ड शेयर क्या था इसका, 3/6, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5×6=30, 6×2=12, -15, तो यहाँ पे क्या आ गया, -3/30। जो भास्कर था इसको क्या हो रहा था, सेक्रीफाइस, भास्कर ने भी सेक्रीफाइस किया था, भास्कर ने भी सेक्रीफाइस किया, तो दैट मीन्स कि भास्कर को भी गुडविल का शेयर मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ कि भास्कर ने सेक्रीफाइस किया। अब जो शेयर देना था इसका 40,000, दैट मीन्स कि कौन बेयर करेगा, खाली अशोक, ये नहीं देगा, उल्टा भास्कर को भी शेयर मिलेगा, भास्कर शेयर ऑफ गुडविल, तो क्या आएगा, 2,40,000 इंटू 3/30, 3×10=0, यहाँ पे कितना आ गया, 24,000। भास्कर को कितना शेयर मिलेगा, 24,000। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल लिखेंगे, अशोक के कैपिटल अकाउंट में आ गया जो भास्कर को मिलना था, भास्कर को आ गया यहाँ पे 24,000 और चमन को आ गया 40,000। ये भास्कर शेयर नहीं देगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू भास्कर कैपिटल अकाउंट, अशोक 24,000 दे रहा है और टू चमन कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे उसने 40,000 दिया। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है, इसका टोटल किया 3,82,500, 5,47,750, 3,31,250, यही टोटल यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया 84,000, जब माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 298,500, यहाँ पे 30,000 माइनस किया 517,750, और यहाँ पे 10,000 किया 321,250। अब इसके बाद हमने क्या बनानी है, इसकी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, अशोक कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद भास्कर कैपिटल अकाउंट। अशोक की कैपिटल 298,500 और भास्कर की कैपिटल आ गई 517,750। अब हमने क्या किया, इसका टोटल कर लिया 052,618। अब इसके बाद चमन लोन अकाउंट, और चमन का लोन अकाउंट कितना था हमारे पास, 321,250। अब इसके बाद हमने क्या करना है, संडी क्रेडिटर्स गिवन दिए हैं, संडी क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 250,000, और लोन पेबल, लोन पेबल हमारे पास है 150,000। अब दूसरी साइड, सबसे पहले आ गया बिल्डिंग, बिल्डिंग की अमाउंट दी थी 5,00,000, और बिल्डिंग के साथ एप्रिशिएट हुआ था 10% एड एप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग कितना अप्रिशिएट हुआ था, 10%, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया हमारे पास 50,000, इसको एडजस्ट किया तो हमारे पास आ गया 5,50,000। बिल्डिंग के बाद आ गया प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट गिवन कितना था 4,00,000, और प्लांट एंड मशीनरी के साथ 10% रिड्यूस हो गया था, लेस डेप्रिसिएशन 40,000, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3,60,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आ गया फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट थी 1,00,000, फर्नीचर के साथ डेप्रिसिएशन थी, लेस डेप्रिसिएशन 5%, अमाउंट कितना आ गया 5,000, माइनस किया 95,000। फर्नीचर के बाद आ गया हमारे पास स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू थी 250,000 एड एप्रिसिएशन, 15% एप्रिसिएशन था, ये आ गया 37,500, यहाँ पे आ गया 287,500। फिर इसके बाद आ गए डेटर्स, डेटर्स गिवन थे 1,80,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये 20,000 दिए था, और हमारे पास आ गया वैल्यूज 1,60,000। अब इसके बाद कैश इन हैंड, तो यहाँ पे क्या लिखा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आ गया हमारे पास 85,000। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ गया 15,37,500, यहाँ पे भी इसका टोटल सेम आ गया 15,37,500। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जनरल रिजर्व, गुडविल के बारे में। हमेशा हम सीखते थे गुडविल में कि गेनिंग रेशो, लेकिन इस बार हमने क्या सीखा साथ में, सेक्रीफाइस। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर।